प्रकार किसी शेर को पकड़ने के लिए जंगल में एक बकरी को पेड़ से बांधा जाता है और उस बकरी की गंध सूंघकर शेर उस पेड़ की ओर खींचा चला आता है। ठीक उसी प्रकार हम एक मनुष्य को जंगल में एक पेड़ से बांधेंगे और उस मनुष्य की गंध सूंघकर अवश्य अवश्य वो हमारी तरफ खींचा चलाएगा। अब हमारी प्रतीक्षा भी समाप्त हो गई है मंत्रीवर। हम दोनों यही सोच रहे थे कि उस योजना को बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है। हम मंत्री और रणवीर सिंह के उस सैनिक के अंतिम संस्कार में गए थे जिसे उस विचित्र प्राणी ने मार दिया। हमें वहीं पे पता चला कि मिल्खा सिंह को जिसने मारा है वो विचित्र प्राणी कभी कभी मनुष्य पशु बन जाता है। हमें तो नागराज जी के दर्शन हो गए। अब नागराज जी अगर जीवित रहेंगे तो हम फिर मिलेंगे चंगू। चलो, चलो। हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं परमवीर, किंतु हमें किसी षड्यंत्र की गंध आ रही है। षड्यंत्र? आप किस षड्यंत्र की बात कर रहे हैं भाई जी? तात्पर्य ये है रूपमती जी, राजवीर और नागराज रणवीर की हाँ में हाँ मिलाते हैं किंतु उसके पलटते ही उसकी पीठ में छुरा घोंपने को तैयार रहते हैं। दुर्गेश्वरी, हम दोनों भाइयों के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण का बलिदान देने गई है। यदि उसे कुछ भी हो गया तो हम प्राण करते हैं कि रूपनगर के इन जंगलों को आग लगा देंगे जिसमें जलकर रणवीर सिंह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पर केवल मंत्रीवर के सैनिक दिखाई दे रहे हैं, मंत्रीवर और परमवीर सिंह दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। महामहिम, हो सकता है वो दोनों डेरे के अंदर विश्राम कर रहे हो। ये कैसे हो सकता है? संकट की घड़ी में निश्चिंत होकर दोनों विश्राम कैसे कर सकते हैं? कहीं वो दोनों डेरा छोड़कर बाहर तो नहीं गए? सत्य का पता तो सैनिकों से मिलने के पश्चात ही चलेगा महामहिम। यदि मंत्रीवर और उनके भाई में से एक भी डेरे से अनुपस्थित हुआ तो हमारी चाल सफल हो सकती है। हम उन दोनों में से किसी एक को अपने वश में कर सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो नागराज, मंत्रीवर और उनके भाई परमवीर सिंह को एक साथ परास्त करना बहुत कठिन है। एक एक करके दोनों को परास्त करने में ही हमारी समझदारी है, किंतु ऐसा संजोग होना बहुत कठिन है। देखते हैं हमें, देखते हैं कि हमारा भाग्य कहां तक साथ देता है। सबसे पहले तो हमें मंत्रीवर के सैनिकों को अपने विश्वास में लेकर उनके बारे में पूछताछ करनी होगी कि इस समय मंत्रीवर और परमवीर सिंह कहां हैं। उसके पश्चात ही हम आगे की योजना पर कार्य करेंगे। सोचो नागराज, यदि मंत्रीवर तुम्हें डेरे में अकेले विश्राम करते हुए पाए गए तो तुम क्या चाल चलोगे? यदि ऐसा संभव हो जाए महामाई, यदि ऐसा संभव हो जाए तो समझे कि हम आधी लड़ाई तो यही जीत जाएंगे। मैं मंत्रीवर के सैनिकों को डेरे से कहीं दूर ले जाऊंगा और आप पीछे से अकेले मंत्रीवर को उनकी अंतिम गुरु दक्षिणा देकर अपना कर्तव्य पूर्ण कर लेना। वाह वाह नागराज, तुम जब भी कोई कोड़ी लाते हो बड़ी दूर की लेके आते हैं। अब शीघ्र जाओ और सैनिकों से पूछताछ करो कि वो दोनों कहां हैं। ठीक है महामहिम, यदि मैं मंत्रीवर के सैनिकों को लेकर डेरे से दूर चला जाऊं तभी आप अपना कदम आगे बढ़ाना, क्योंकि यदि मुझे पता चला कि डेरे के अंदर मंत्रीवर के साथ कोई है तो मैं सैनिकों को कोई भी बहाना बनाकर तत्काल वापस लौटाऊंगा। उसके बाद हम आगे की नई योजना बनाएंगे। हम तुम्हारी रणनीति भली भांति समझ गए नागराज, अब देर मत करो। इस समय डेरे पर सैनिक कम है, जाओ शीघ्र जाके अपना कार्य पूर्ण करो। समझ लीजिए महामहिम, आपका कार्य पूर्ण हो गया, चलता हूं। सैनिक, मंत्रीवर रणवीर सिंह कहाँ है? मंत्रीवर तो भीतर विश्राम कर रहे हैं। विश्राम कर रहे? मैंने जो सोचा था वो सत्य हो गया। अब देखते हैं कि परमवीर सिंह कहाँ है और परमवीर सिंह जी वो कहाँ पर है।
शीघ्र बताओ सैनिक, हमारे पास समय बहुत कम है। वो सैनिकों के साथ जंगल में पहरा दे रहे। पहरा देने का है? वाह नागराज वाह, अब तेरी पांचों उंगलियां घी में है। अब सर बहुत अच्छा है, मंत्रीवर के इन सैनिकों को लेकर दूर निकल जा। पहरा देने का है? वाह नागराज वाह, अब तेरी पांचों उंगलियां घी में है। अब सर बहुत अच्छा है, मंत्रीवर के इन सैनिकों को लेकर दूर निकल जा। अब हमारा क्या होगा सैनिक, हमारा क्या होगा? महामहिम ने जंगल के उत्तरी छोर पर डाकू दुर्गेश्वरी उसके साथियों को खोज निकाला है। अब मंत्रीवर तो विश्राम कर रहे हैं और परमवीर सिंह जी जंगल में चले गए। अब हम महामहिम की सहायता कैसे करेंगे, कैसे? यदि आपकी आज्ञा हो तो मंत्रीवर को नींद से जगा दे। चुप, इतने छोटे से कार्य के लिए उनको जगाने की क्या आवश्यकता है? इतने लंबे समय के पश्चात उनको विश्राम करने का अवसर मिला है। उन्हें कुछ मत बताओ, उन्हें सोने दो। एक काम करते हैं, एक सैनिक को उनकी सेवा के लिए यहाँ छोड़ दो और बाकी सारे सैनिक मेरे साथ जंगल में चलो। हम डाकू दुर्गेश्वरी उसके साथियों को बंधक बनाएंगे, मंत्रीवर को जगाएंगे और डाकू दुर्गेश्वरी को उनको उपहार के रूप में देंगे। मंत्रीवर प्रसन्न हो जाएंगे और तुम सबको उपहार देंगे। शीघ्र करो सैनिक, शीघ्र करो। यदि दुर्गेश्वरी हमारे हाथ से निकल गई ना तो मंत्रीवर हम सबको फांसी पर लटका देंगे। ठीक है, मैं यहाँ रुकता हूँ, आप बाकी सैनिकों को अपने साथ ले जाइए। ठीक है सैनिकों, चलो मेरे साथ, शीघ्र चलो, देर मत करो। नागराज एक सैनिक को छोड़कर सारे सैनिकों को मूर्ख बनाकर ले गया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि रणवीर सिंह डेरे में भीतर अकेले हैं। यह अवसर हाथ से भी जाना चाहिए राजवीर सिंह। यदि आज रणवीर सिंह का वध हो गया तो जीवन भर सुख ही सुख भोगने को मिलेंगे। हमारे सभी सैनिक कहां चले गए? राजवीर सिंह ये यहां क्या कर रहा है? राजवीर सिंह, thank you.
राजवीर सिंह, तुम गुप्त जंगल छोड़कर यहाँ क्यों चले आए और तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? और हमारे सभी सैनिक कहाँ हैं? आपके सारे सैनिकों ने आपसे बगावत कर दी है मंत्रीवर। क्या बगावत कर दी है? जी, सैनिकों के साथ साथ हमने भी आपसे बगावत कर दी है। अब रूपनगर में आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा। राजवीर सिंह, तुम नहीं जानते तुम क्या कह रहे हो। शायद तुम भूल गए, इस रूपनगर के हम सबसे शक्तिशाली मंत्री हैं। मंत्री है नहीं, अपितु थे। अब आप केवल रणवीर सिंह हैं, जिसकी भुजाओं की शक्ति हमने छीन ली है। राजवीर, यदि तुम्हारी इस बगावत का पता हमारे भाई परमवीर को चला तो वो तुमसे तुम्हारे प्राण छीन लेगा। अब हमारे लिए अपने प्राण बचाने की सोचिए, क्योंकि थोड़ी ही देर में आपके प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। हमने आपके बहुत अपमान सह लिए, किंतु अब हमें अपमानित करने के लिए आप जीवित नहीं रहोगे, पूर्व मंत्री व रणवीर सिंह। राजवीर, आज तुम हमें अकेला देखकर हमें ललकारने का साहस कर रहे हो, किंतु तुम ये भूल गए कि राजनीति का पहला पाठ भी हमी ने तुम्हें पढ़ाया था। किंतु हमने कब कहा कि हम आपको गुरु नहीं मानते, पर अब आपको मोक्ष देने का समय आ गया है। बताइए, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? पर वैसे भी रूपनगर में आपका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए आपका मृत्यु को प्राप्त होना ही श्रेष्ठ होगा। रूपनगर में हमारी इच्छा होगी। क्या हुआ भाई जी? भाई जी,
तुम मिलाप क्यों कर रहे हो नागराज? मिलाप क्यों ना करूं परमवीर सिंह जी, क्यों ना करूं मिलाप? मंत्री वर हमें छोड़कर चले गए, अरे किसी ने उनका वध कर दिया भैया। ऐसा नहीं हो सकता, प्यारे मंत्री वर छोड़कर चले गए मंत्री वर। अरे मंत्री वर कुछ तो बोलिए मंत्री वर। ये कार्य ठाकुर दुर्गेश्वरी का ही हो सकता है, उसी ने बड़ी चालाकी से मंत्री वर की हत्या कर दी है। अब मैं उसके साथियों को और उसको चुन चुन कर मारूंगा, चुन चुन कर। भाई जी के शरीर में अभी प्राण शेष है नागराज, इनकी सांसें अभी धीमी धीमी चल रही है। क्या इनकी सांसें चल रही है? यदि शीघ्र इनका उपचार किया जाए तो इनके प्राण बच सकते हैं। यदि मंत्रीवर के प्राण बच गए तो मेरे और महामहिम के प्राण निकल जाएंगे। अब समय व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं होगा नागराज, हमें भाई जी को शीघ्र ही वैद्य की कुटिया में ले जाना होगा। एक बार हमारे भाई जी के प्राण बच गए तो हम उसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे जिसने भी हमारे भाई जी की यह दशा की है। सैनिकों, मंत्रीवर को उठाकर शीघ्र वैद्यराज की कुटिया की ओर ले चलो। चलो अब वैद्यराज तो क्या, भगवान भी रणवीर सिंह की जान नहीं बचा पाएंगे। रणवीर सिंह की मृत्यु की सूचना अति शीघ्र रूपनगर के जंगलों में हलचल मचा देंगे। ऐसी सूचना लाया हूँ रूपमती जी, जिसे सुनकर आप मुझे बाला बाल कर देंगी। व्यर्थ की बातों में समय मत गवाओ अभय सिंह, क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने तुम्हें पुरस्कार ना दिया हो? नहीं रूपमती जी, आपका हृदय तो सबसे विशाल है। तो फिर बताओ कि ऐसी क्या सूचना है जिसके लिए तुम इतने उत्तेजित हुए जा रहे थे? रूपमती जी, जिस शत्रु को पराजित करने के लिए आपने दिन रात एक कर दिए, उससे अब आपको किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। तुम किस शत्रु की बात कर रहे हो अभय सिंह, हम समझे नहीं। रूपमती जी, आपका सबसे बड़ा शत्रु रणवीर सिंह मारा गया है। क्या रणवीर सिंह मारा गया? ये तुम क्या कह रहे हो अभय सिंह? रणवीर सिंह जैसा विश्वासघाती और चालाक इंसान इतने आसानी से नहीं मर सकता है। क्या तुमने स्वयं उसे अपनी आंखों से मरते हुए देखा है? मैं सत्य कह रहा हूँ रूपमती जी, मैंने स्वयं परमवीर सिंह को अपने सैनिकों के साथ रणवीर के शव को वैद्य जी की कुटिया पर ले जाते हुए देखा है। इसका मतलब तुम्हारी सूचना सही है, किंतु रणवीर सिंह को मारा किसने? मेरी सूचना के अनुसार रणवीर सिंह को दुर्गेश्वरी और उसके साथियों ने मारा है। क्या दुर्गेश्वरी और उसके साथी? नहीं नहीं, हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो इंसान रूपी हैवान रणवीर सिंह इतने आसानी से दुर्गेश्वरी के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। हम रणवीर सिंह को जानते हैं, वो तो मृत्युदेव यमराज को तक छलने की शक्ति रखता था। रूपमती जी, क्या कभी कोई मेरी सूचना झूठी निकली है? हमें तुम्हारी बातों पर पूरा विश्वास है अभय सिंह, किंतु रणवीर सिंह एक साधारण इंसान नहीं था। उसे मारना असंभव तो नहीं, परंतु दुष्कर अवश्य था। मैं समझा नहीं रूपमती जी, आप ये कहना चाहती हैं कि उसे दुर्गेश्वरी ने नहीं अपितु किसी और ने मारा है? हमारे कहने का तात्पर्य ये है अभय सिंह कि रणवीर सिंह अवश्य किसी षड्यंत्र में मारा गया है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र रूपमती जी? तुम अपने स्तर पर पता लगाने का प्रयत्न करो अभय सिंह, हमें किसी भी मूल्य पर यह पता लगाना होगा कि इस हत्या के षड्यंत्र में किसका हाथ हो सकता है। आप देखते रहिए रूपमती जी, आपका ये गुप्तचर कैसे उस षड्यंत्र को उजागर करता है। आज मुझे उस षड्यंत्रकारी के रहस्य को पता करने का अच्छा अवसर मिला है। क्या हुआ? तुम सब चुप क्यों हो? हमने सुना मंत्रीवर पर प्राणघातक हमला हुआ है और वो बुरी तरह से घायल है। कैसी स्थिति है उनकी नागराज?
तुम चुप क्यों हो नागराज? मंत्रीवर ठीक तो है ना? और परमवीर सिंह कहाँ है? वो कुटिया के अंदर मंत्रीवर की स्थिति पर दृष्टि रखे हुए महामहिम, किंतु आप अपने आप को संभालिए, अपने हृदय को इतना मत दुखाइए महामहिम, इतना मत दुखाइए। कार्य किसका हो सकता है नागराज? वो ना हो, ये कार्य दुर्गेश्वरी ही कर सकती है महामहिम। दुर्गेश्वरी के अलावा इतना घृणित कार्य कोई और नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। यदि हमारे मंत्रीवर को कुछ हो गया तो हम वचन लेते हैं कि हम उस दुष्ट दुर्गेश्वरी को ऐसी मृत्यु देंगे कि स्वयं मृत्यु देव भी कांप जाएंगे। हम उस दुर्गेश्वरी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। आइए हुजूर, आइए। अब मंत्रीवर की स्थिति कैसी हुजूर? वो ठीक तो है ना? यदि मंत्रीवर को कुछ हो गया तो मैं और महामहिम उस दुर्गेश्वरी को मारकर अपने प्राण भी त्याग देंगे। हुजूर हमें बताइए। चिंता की कोई बात नहीं है नागराज, भाई जी अब बिल्कुल ठीक है, वो केवल मूर्छित है। क्या? ये अभय सिंह छिपता छिपाता कहां जा रहा है? अवश्य ही किसी गुप्त सूचना का पता लेकर कहीं जा रहा होगा। पता लगाना जरूरी है। अभय सिंह, अभय सिंह, ज्वाला ने मुझे यहाँ कैसे देख लिया? ज्वाला जी, आप इस भयानक जंगल में क्या कर रही हैं? यदि यही प्रश्न हम तुमसे करें तो तुम ये छिपते छिपाते इस भयानक जंगल में कर क्या रहे हो और इतने घबराए हुए क्यों हो? ज्वाला जी, मंत्रीवर रणवीर सिंह के शत्रुओं ने उन पर प्राणघातक आक्रमण कर दिया है। उन्हीं शत्रुओं की खोज कर रहा हूँ मैं। क्या मंत्रीवर पर आक्रमण हुआ है? हमें विश्वास नहीं होता अभी से। इस रूपनगर के जंगल में किसी में इतना साहस नहीं है कि कोई महायोद्धा रणवीर सिंह पर आक्रमण कर सके। मैं जानता हूं ज्वाला जी, मंत्रीवर रणवीर सिंह पर रूपनगर के जंगल में आक्रमण करना असंभव है। पता नहीं उनकी क्या व्यवस्था थी जो यह असंभव कार्य उनके शत्रुओं ने संभव करके दिखा दिया। मैं सत्य कह रहा हूं ज्वाला जी, मेरा विश्वास कीजिए। यदि तुम सत्य भी कह रहे हो अभय सिंह, तो हमें तुम पर विश्वास नहीं है। ये नहीं हो सकता। महापराक्रमी रणवीर सिंह को परास्त करना कोई बच्चे का काम नहीं है। पर यदि किसी शत्रु ने उनके साथ कहीं कोई छल कपट करके उन्हें परास्त करने का प्रयत्न तो नहीं किया? हमें सत्य बताओ अभय सिंह, रणवीर सिंह के साथ क्या हुआ है? उन पर आक्रमण किसने किया? हाँ, अभी तक जो मुझे सूचना मिली है, ये कार्तव्यपूर्ण कार्य दुर्गेश्वरी ने किया है। मैं दुर्गेश्वरी उसके साथियों की खोजने निकला था कि आप मिल गए। यदि ये कार्य डाकू दुर्गेश्वरी देवी ने किया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। पर अभय सिंह एक महिला डाकू से महापराक्रमी रणवीर सिंह परास्त नहीं हो सकता। हम कैसे यकीन करें? एक महिला डाकू, आखिर ऐसा कौन सा षड्यंत्र, ऐसी कौन सी राजनीति अपनाई है उसने कि रणवीर सिंह पर आक्रमण कर दिया? इसका पता तो तभी चलेगा जब दुर्गेश्वरी हमारे वश में होगी। बस एक बार मंत्रीवर ठीक हो जाए, फिर देखना उनके सामने दुर्गेश्वरी और उसके साथी कैसे अपने प्राणों की भीख मांगेंगे। किंतु मंत्रीवर उन्हें प्राणों की भीख नहीं अपितु मृत्यु दंड देंगे। अभय सिंह, हमें सत्य बताओ, रणवीर सिंह अब कैसे हैं? हमें चिंता होने लगी है। वे स्वस्थ तो है ना? वो इस समय वैद्यराज की कुटिया में मूर्छित अवस्था में है और अपने प्राण और जीवन के बीच संघर्ष कर रहे हैं। क्या मंत्रीवर पर प्राणों का खतरा अभी टला नहीं है? अभय सिंह, हमें सत्य बताओ, वैद्यराज ने क्या कहा है? वैद्यराज के कहने के अनुसार उनके प्राणों का संकट तो टल गया है, किंतु उनकी मूर्छा कब टूटेगी ये वैद्यराज नहीं बता पा रहे। आप निश्चिंत हो जाइए ज्वाला जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि रणवीर सिंह स्वस्थ होकर लौट आएंगे।
जिस दिन मंत्रीवर रणवीर सिंह पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर लौट आएंगे, उस दिन काल का साया उसके सर पर मंडराएगा जिसने उनकी ये दुर्दशा की है। आप ठीक कह रही हैं ज्वाला जी, डाकू दुर्गेश्वरी ने मंत्रीवर को मृत समझकर रूपनगर की ओर कूच तो कर दिया है, किंतु वो ये नहीं जानती कि उसके रूपनगर पहुंचने से पहले ही मंत्रीवर स्वस्थ हो जाएंगे और उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मंत्रीवर रणवीर सिंह को घायल करने का कार्य दुर्गेश्वरी ने नहीं किसी और शत्रु ने किया है। ये अवश्य किसी दूसरे शत्रु का षड्यंत्र है। वो षड्यंत्रकारी शत्रु कौन हो सकता है? मंत्री और रणवीर सिंह का वध नहीं हो सका, इसका हमें बहुत पछताता है। हमने उन्हें समाप्त करने का पूरा प्रयत्न किया था, किंतु भाग्य से बच गए। अब हम कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं महामहिम? आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी करना होगा मंत्री और रणवीर सिंह ही करेंगे। जब वो अपनी मूर्छा से जागेंगे महामहिम, तो सबसे पहले वो आप ही को याद करेंगे। उसके पश्चात क्या होगा आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तुम हमारे जले पर नमक छिड़क रहे हो नागराज। रणवीर सिंह की हत्या करने में हमने कोई छुप नहीं की थी। यदि तुम उनके सैनिकों के साथ इतनी शीघ्रता से वापस नहीं लौटते तो मंत्रीवर वही समाप्त हो जाते, उनका सारा रक्त बह जाता और वैद्यराज उनको देखते ही मृत घोषित कर देते। अब आप अपना दोष मुझ पर क्यों डाल रहे हैं महामहिम? क्यों? यदि आप अपने छुरे को उनकी पीठ में अच्छी तरह से घोंप देते तो वो वहीं पर अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाते। पता नहीं आपने उन पर किस तरह से प्रहार किया जो वो केवल मूर्छित होकर रह गए। हमने जो प्रहार किया था वो बहुत घातक था नागराज। तुम्हारे कारण हमारी विजय पराजय में बदल गई। यदि तुम मंत्रीवर के सैनिकों को थोड़ी देर और भटकाते तो कभी उठ नहीं पाते। हम तुम्हें बुद्धिमान समझते थे, किंतु तुमने जो मूर्खता की है उसे हम कभी नहीं भूल सकते। तुमने हमें घोर संकट में डाल दिया है नागराज। क्षमा करना महामहिम, क्षमा करना, किंतु आप एक मनुष्य को मारने में इतना समय लगाएंगे ये मैं नहीं जानता था। महामहिम, मैंने स्वयं अपने नेत्रों से आपको 10-10 मनुष्यों को पलक झपकते ही समाप्त करते हुए देखा है, फिर इस बार आपने मंत्रीवर को समाप्त करने में इतना समय क्यों लगा दिया महामहिम? क्यों? क्योंकि रणवीर सिंह एक महायोद्धा है। उन्हें अकेले समाप्त करने का तात्पर्य 100 सैनिकों को समाप्त करने के समान है। किंतु तुम ये सब भूल गए और हमारे सारे परिश्रम व्यर्थ कर दिए तुमने। क्षमा कीजिए महामहिम, अब जो हो गया जो हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए और आगे की रणनीति सोचिए, अन्यथा मंत्रीवर हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। सोचिए महामहिम, सोचिए, यदि वो मूर्छा से जाग गए और उन्होंने महाराज को हमारा नाम बता दिया तो महाराज हम दोनों को रूपनगर के चौराहे पर फांसी पर लटका देंगे। महामहिम, फांसी पर। मृत्यु से इतना भय लग रहा है तो पहले ही सावधानी से कार्य करना चाहिए था। तुमने अपने साथ साथ हमें भी संकट में डाल दिया है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें तो लगता है कि मंत्रीवर की मूर्छा टूटते ही हमारे सांसों की डोर टूटने वाली है। नहीं नहीं महामहिम, ऐसा मत कहिए। अभी तो हमने महल का एक सुख भी नहीं देखा है। महामहिम, यदि आप चाहें तो हम दोनों के प्राण बच सकते हैं, किंतु इसके लिए हमें रूपनगर छोड़कर कहीं और भागना पड़ेगा। क्या रूपनगर का महल छोड़कर भागना होगा? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए नागराज? महामहिम, मेरी बात पूरी तरह से सुन लीजिए। मैं सदैव के लिए रूपनगर छोड़कर जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि हम कुछ समय के लिए रूपनगर के बाहर चले जाएं और बाहर से ही दृष्टि रखें तो हमें सभी सूचनाएं मिलती रहेंगी और उचित अवसर मिलने पर हम रूपनगर वापस लौट आएंगे। मूर्खों की तरफ बात मत करो नागराज। यदि हम रूपनगर छोड़कर चले गए तो परमवीर सिंह रूपनगर पर अपना शासन जमा लेगा और साथ ही साथ रूपनगर में ये चर्चा फैल जाएगी कि हम दोनों रणवीर सिंह पर आक्रमण करके भागे हैं। सोचो नागराज, यदि ऐसा हो गया तो हम ना घर के रहेंगे ना घाट के। कह तो आप सत्य रहे महामहिम, एकदम सत्य। अब तो मुझे चारों तरफ घोर संकट ही संकट दिखाई दे रहा है। अब हमें सबसे पहले ये प्रयत्न करना चाहिए कि मंत्रीवर पे आक्रमण की सूचना महाराज तक कभी ना पहुंचे। नागराज, हमारे सामने एक ही मार्ग बचा है और वो मार्ग है मंत्रीवर की मृत्यु। यदि रणवीर सिंह मूर्छित अवस्था में परलोक चले गए तो सभी संकट टल जाएंगे। हमें ऐसी योजना बनानी होगी जिससे रणवीर सिंह वैद्यराज की कुटिया से जीवित ना निकल सके।
राजवीर सिंह, ज्वाला, ज्वाला तुम? हमें रूपनगर में मंत्रीवर के घायल होने की जो सूचना मिली, क्या वो सत्य है? यही जानने हम यहाँ आए हैं। तुमने जो सुना है वो सोलाने सत्य है ज्वाला। हमें जैसे इस घटना का पता चला, हम दोनों मंत्रीवर के आक्रमणकारियों को खोजने के लिए निकल पड़े। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उनके शत्रुओं को खोज नहीं लेंगे। जिसने भी मंत्रीवर को इस अवस्था में पहुंचाया है, हम उसे खोज कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये दोनों गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे हैं। इन्हें अचानक मंत्रीवर की इतनी चिंता क्यों होने लगी? मंत्रीवर के बारे में इस अशुभ समाचार को सुनकर तुम भी अवाक रह गई हो ना ज्वाला। हमें जैसे अशुभ समाचार का पता चला तो एक क्षण के लिए तुम्हारी तरह हम दोनों के पैरों तले से भी धरती खिसक गई थी। नागराज, हमें दुख है कि मंत्रीवर रणवीर सिंह को किसी शत्रु ने घायल कर दिया है, पर हमें आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि अचानक आप दोनों को कि इतनी चिंता क्यों होने लगी है। अभी कल तक तो आप उन्हें अपने पद से हटाने का मार्ग खोज रहे थे, पर आज इतनी चिंता। ज्वाला, मंत्रीवर की चिंता हम दोनों नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मंत्रीवर और हमारे बीच विचारों के मतभेद अवश्य है, किंतु इससे वो हमारे शत्रु तो नहीं हो गए। इस समय उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है और हम पिछले सारे मतभेद भूलकर उनकी भरपूर सहायता करेंगे और उन पर आक्रमण करने वालों को दंड भी देंगे। बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे आपके विचार सुनकर राजवीर सिंह। आखिर आपने दिखा ही दिया कि दाता की स्वामी भक्ति होती क्या है। खैर, आज हमें केवल मंत्रीवर के प्राणों की चिंता है, न जाने उनका स्वास्थ्य आज कैसा होगा। आप मंत्रीवर की चिंता बिल्कुल मत कीजिए ज्वाला, बिल्कुल मत कीजिए। विधाता ने उनके प्राण बचा लिए हैं। वैद्यराज ने स्वयं हमसे कहा है कि वो अपनी चेतना में कभी भी वापस लौट सकते हैं। वैद्यराज ने स्वयं हमसे कहा है कि वो अपनी चेतना में कभी भी वापस लौट सकते हैं। मंत्रीवर की चेतना शीघ्र से शीघ्र लौट आए, हमारी यही प्रार्थना है नागराज। और सत्य कहते हैं हम, आज यदि मंत्रीवर को कुछ हो जाता ना, भेजवाला भी अपने प्राण त्याग देती। आप भी हमारी तरह बहुत कोमल मन रखते हैं ज्वाला, बहुत कोमल मन। वैद्यराज से जैसे ही हमें उनके स्वास्थ्य की सूचना मिली, महामहिम ने प्रसन्न होकर रूपनगर राज्य में एक दिन का अवकाश घोषित कर दिया, मिठाइयां बंटवा दी। ये बातें किसी से कहने की नहीं होती नागराज। हमने जो भी किया है हमारे गुरु के लिए किया है, हमने जो भी सीखा है मंत्रीवर से सीखा है, इसलिए उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। मंत्रीवर से मिलने की हमारी इच्छा तीव्र होती जा रही है नागराज। हमें बताओ, वो अभी भी वैद्यराज की कुटिया में है या उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से किसी गुप्त स्थान पर रखा गया है? मंत्रीवर अभी भी कुटिया में ही है ज्वाला। हमारे सैनिकों ने गुप्त रूप से उस कुटिया को चारों तरफ से घेरा हुआ है। जब तक मंत्रीवर की चेतना वापस नहीं आ जाती, तब तक उनसे कोई नहीं मिल सकता ज्वाला, कोई नहीं। कोई नहीं मिल सकता, किंतु मंत्रीवर से मिले बिना हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी नागराज। हम केवल उनसे एक बार मिल लें तो हमारे मन को शांति मिल जाएगी। हम विवश हैं, किंतु तुम वैद्यराज से मिलकर मंत्रीवर के स्वास्थ्य के बारे में समाचार प्राप्त कर सकती हो। जाओ, वैद्यराज इस समय अपनी कुटिया में। हम शीघ्र ही वहां जा रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि वैद्यराज से मिलकर हमें मंत्रीवर के बारे में अवश्य ही कोई शुभ समाचार मिलेगा। हम चलते हैं। देखा मां भाई, देखा आपने, ज्वाला कितनी चतुर और ढोंगी युवती है। कुछ समय पूर्व वो हमारे साथ मिलकर मंत्रीवर रणवीर सिंह के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के लिए आतुर दिखाई दे रही थी, और अब उनके लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने का नाटक कर रही है। ज्वाला जैसी चतुर युवती पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता नागराज। हमने रूपनगर के महलों में बहुत चतुर युवती को देखा है, किंतु ज्वाला जैसी षड्यंत्रकारी युवती हमने कभी नहीं देखी। ज्वाला का दूसरा नाम नागिन है, वो कभी भी डस सकती है। आप सत्य कह रहे हैं, एकदम सत्य कह रहे हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, महिलाओं पर अति विश्वास नहीं करना चाहिए।
यदि आप उस पर विश्वास करके उसकी किसी योजना में शामिल हो जाते तो अवश्य ही वो आपको अपने किसी जाल में फंसा लेते। अब तुम समझ गए नागराज कि हम ज्वाला के प्रस्ताव को क्यों टाल रहे। हम समझ गए थे कि वो हमसे मित्रता का नाटक करके हमारा गुप्त रहस्य जानना चाहते, इसीलिए हम उसे प्रस्ताव से दूर रहे। यही कूटनीति का ज्ञान है जो हमने मंत्री वर्ष से सीखा। महामहिम, आप जितने बलवान हैं उतने बुद्धिमान भी हैं। अच्छा हुआ जो समय रहते आपने उसकी चाल को पहचान लिया, अन्यथा अनर्थ हो जाता। पता नहीं ज्वाला जैसी नागिन से कब पीछा छूटेगा, कब। मुझे तो अब मंत्रीवर की भी चिंता होने लगी है महामहिम, कि ज्वाला हमें कभी भी कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है। ज्वाला की भी चतुर क्यों ना हो, वो राजवीर सिंह से अधिक चतुर नहीं हो सकती। यदि वो इसी तरह हमारे साथ षड्यंत्र करती रहे तो हमें उसके पर काटने होंगे, किंतु इसके लिए हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। अब और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी महामहिम, समय बहुत अच्छा है। ज्वाला अकेली वैद्यराज की कुटिया की ओर जा रही है, अकेली। यदि इस अवसर का लाभ उठाकर हमने उसे समाप्त कर दिया तो कोई हमें देख भी नहीं पाएगा। मंत्री व रणवीर सिंह के साथ साथ हमारे पथ में पड़ा हुआ यह दूसरा कांटा भी हट जाएगा। नहीं नागराज, ज्वाला को समाप्त करने के लिए समय अनुकूल। यदि हमने ज्वाला को समाप्त कर दिया तो रूपनगर में उथल पुथल मच जाएगी। रणवीर सिंह के पश्चात ज्वाला पर आक्रमण की सूचना सुनकर महाराज तत्काल जांच करवा सकते हैं। तो यदि जांच के पश्चात हमारा भेद खुल गया तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। तो अब हम क्या करें महामहिम, हाथ पर हाथ धरे रहने से कोई कार्य नहीं होगा। अब तो हम वैद्यराज की कुटिया में भी नहीं जा सकते क्योंकि वह ज्वाला पहुंच गई है। उसके सामने हम मूर्छित मंत्रीवर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। सबर करो नागराज, हमें सोचने दो और योजना बनाने दो। इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। यदि आप सोचने में समय नष्ट करते रहे तो अनर्थ हो जाएगा महामहिम। यदि इस बीच मंत्रीवर अपनी मूर्छा से वापस आ गए और उन्होंने सत्य बता दिया तो हमें कोई बचाने नहीं आएगा, कोई नहीं। मंत्रीवर की चेतना को अब हम कभी लौटने नहीं देंगे, वो अब इस संसार को कभी नहीं देख सकेंगे। चिंता मत करो नागराज, हमारे गुप्तचर मंत्रीवर पर दृष्टि बनाए हुए है। यदि वैद्यराज ने उनके चेतना को लौटा भी दिया तो हमारी तलवार उनके धड़ को सीधा लग कर देगी।